हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन आईक्यू। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि Huawei की तरफ से लेटेस्ट जो फोन लॉन्च हुआ है Huawei Mate 20 Pro उसका कुछ स्पेसिफिकेशन। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ आगे बने रहिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो कुछ जनरल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि मॉडल नेम हम सभी को मालूम है Huawei Mate 20 Pro, जिसमें आपको मिल जाएगा एक नॉच डिस्प्ले। एंड्रॉयड वर्जन जो है वो है एंड्रॉयड 9.0। कस्टम यूआई है EMUI 9.0। यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये फोन है वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ। वेट जो है वो आपको मिल जाएगा 189 ग्राम। और इस फोन में IR ब्लास्टर भी आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें कलर की, तो यहाँ पे आपको 5 कलर देखने को मिल जाएगा, एमरल्ड ग्रीन, मिडनाइट ब्लू, ब्लैक, पिंक गोल्ड और ट्वाइलाइट। आप बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.39 इंचेस की एक बड़ा डिस्प्ले मिल जाएगा, जिसका रेजोल्यूशन होगा 1440x3120 पिक्सल्स। ये डिस्प्ले एमोलेड होगी और इसका पिक्सेल डेंसिटी जो है वो होगा 538 ppi। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा 87.66%। और यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का भी सपोर्ट मिल जाएगा। एस्पेक्ट रेशियो जो है वो है 19.5:9। तो दोस्तों आप बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 4200 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगा, जो वायरलेस चार्जिंग और क्विक चार्जिंग दोनों को ही सपोर्ट करती है। और ये इसका जो चार्जिंग टाइम है वो है 70% इन 30 मिनट्स। तो इसका मतलब है आपको 70% चार्ज 30 मिनट्स में ही मिल जाएगा। और चार्जिंग पोर्ट जो है वो है USB टाइप सी। और इसमें आपको रिवर्स चार्जिंग भी मिल जाएगा। इसका मतलब है अगर आपका फ़ोन का बैटरी ख़त्म हो जाता है, तो आप अगर किसी भी फ़ोन में NFC है तो उसका बैक साइड में टच करके आपका फ़ोन को चार्ज भी कर सकते हो। तो आप जान लेते हैं हार्डवेयर क्या क्या है। तो इसमें आपको 2.6 GHz की ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा, जिसका आर्किटेक्चर है 64 बिट। जो चिपसेट है वो है हाई सिलिकॉन किरिन 980। और यहाँ पे आपको 6GB रैम मिल जाएगा। स्टोरेज जो है वो 128GB है, जिसको आप 256GB तक बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं कैमरे की, तो पीछे आपको 3 कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें से 40 MP होगा रेगुलर कैमरा, 20 MP होगा वाइड एंगल लेंस और 8 MP होगा 3x ऑप्टिकल जूम की। अगर अपर्चर की बात करें तो आपको 40 MP पे मिल जाएगा f1.8, 20 MP पे मिल जाएगा f2.2 और 8 MP में मिल जाएगा f2.4। और पीछे आपको फ्लैश भी देखने को मिल जाएगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो वो है 24 MP, जिसका अपर्चर है f2.0। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। अब बात कर लेते हैं कि बॉक्स कंटेंट आपको क्या क्या मिलेगा। इसके साथ आपको मिलेगा हैंडसेट, जिसके अंदर बैटरी होगा, एक चार्जर, एक USB टाइप सी केबल और एक टाइप सी ईयरफोन, एक टाइप सी 3.5 mm जैक जो हम बोलते हैं डोंगल, और TPU केस, एक सिम इजेक्टर टूल, यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड। और इस फोन का जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 69,990 rupees। दोस्तों अगर हम इस फोन को कंपेयर करते हैं एप्पल से, तो ये फोन मुझे बहुत अच्छा लगा स्पेसिफिकेशन की तरफ से, और दाम भी बहुत कम है। एप्पल का जो चिपसेट है, मतलब वो जो प्रोसेसर का आता है, ये भी सेम प्रोसेसर है, मतलब बहुत ही करीब है इसका प्रोसेसर। और इसमें आपको बड़ा डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा, वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाएगा और क्विक चार्जर भी मिल जाएगा, क्विक चार्जर सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कॉमेंट में मुझे बताना कि ये फोन आपको कैसा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.